और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। वक्त हो गया हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है हम न्यूज इंडिया के लोग। और हमारे साथ जो आज खास मेहमान है वो है विनोद मंडल जी, जो कि हमारे चैनल में सीनियर ऑनलाइन एडिटर है। विनोद जी, शुरुआत करते हैं आपकी जिंदगी के सफर के साथ। सबसे पहले आप हमें बताइए कि कहाँ से हैं आप, कहाँ पर पढ़ाई लिखाई हुई? मैं चारुल बेसिकली दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, फादर मेरे बलिया और फिर पटना बिहार, मदर मेरी कोलकाता है। तो मेरी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई और मैंने डीयू से ग्रेजुएशन की है 93-94 में। लो जी, थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि वो सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपकी जो जिंदगी का सफर है ये मैं जान रही हूँ, तो वो तमाम लोग भी जाने जो हमारे साथ सोशल मीडिया पर लगातार जुड़ते हैं। मैं एक्चुअली मेरे दो किड्स है, मेरी बेटिया है बड़ी और बेटा है, और वाइफ को एक्सपायर हुए 15 इयर्स हो गए हैं। 2006 में हुई थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद सारा मैंने अपने जो भी जिम्मेवारी हुई पढ़ाया लिखाया, फिर मीडिया में रह के बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए। तो देखभाल मैंने खुद, मैं उनका फादर मदर दोनों का रोल वो किया, फ्रेंड भी रहा, तो जितना बन पाया अच्छे से अच्छा मैंने किया उनके लिए। अपने मदर फादर के बारे में कुछ बताइए, वो कहाँ से थे? मदर और फादर तो मेरे, मदर मेरी कोलकाता की, फिर बिहार रही फादर के, फिर दिल्ली आ गए काफ़ी टाइम से। तो फादर मेरे 15 इयर्स के थे, दिल्ली में आ गए, तो गवर्नमेंट जॉब पे रहे हैं वो, तो दिल्ली में सारा कुछ उन्होंने किया। हम तीन शहर, तीन सूबे, तीन अलग अलग राज्य, कैसा लगता है जिंदगी में अलग अलग जगह के बारे में जानकर, अलग अलग जगह पर रहना? आपने बताया कि आपकी मदर कोलकाता से थी, जो फादर हैं वो बलिया से थे, बिहार में भी रहे, तो अलग अलग जगह का सफर कैसा रहा? सफर इतना मैं कभी गया नहीं क्योंकि बर्थ मेरा दिल्ली रहा है। तो उनसे सुना मैंने कि ऐसा, तो काफ़ी टाइम पहले उन्होंने वो किया, तो सारी स्ट्रगल पढ़ाई सब दिल्ली रहा। कभी मैं गया नहीं हूँ क्योंकि सारे रिलेटिव्स मेरे दिल्ली में ही हैं। तो आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि वाइफ नहीं है आपकी, मदर फादर भी नहीं है, दो बच्चे, कैसे उनका पालन पोषण किया? और सबसे अहम चीज़ कि एक फादर के लिए एक बेटी को पालना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल तो बहुत था, मगर कुछ चीज़ें होती है जो बिटिया शेयर नहीं कर सकती, वो भी मैंने एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ी बात है बच्चों ने कभी कंप्लेंट नहीं करी क्योंकि मेरा बहुत साथ दिया, सपोर्ट किया, कि उन्होंने यही कहा कि आप जो भी हो, फादर भी हो, मदर भी हो, तो मैं एज ए फ्रेंडली उनको मैंने ट्रीट किया है। आज भी बहुत भले अच्छे से रहते हैं हम लोग, और जितना बन पाता है मैं करता हूँ। एक टाइम ये भी था कोई भी नहीं था मेरे साथ, तब भी मैंने किया, तो बहुत सारी वो किए चैलेंजेस एक्सेप्ट। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे देखिए, मैं एक बेटी हूँ और मैं इस नज़रिए से अगर देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने फादर से शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मदर का रोल भी निभाना था, एक फादर का रोल भी निभाना था, इस रोल में आपको क्या लगा, कितना चैलेंजिंग था ये? चैलेंजिंग ये मान लीजिए कि जो मदर कर सकती है एक बेटी के लिए, तो मैं कोशिश करता था कि एज ए मदर वो करूं, मगर कुछ चीज़ें होती है जो बेटी अपनी मदर से शेयर करती है, मगर उसने कभी मेरे साथ ये नहीं किया। जो भी प्रॉब्लम्स हुई है लाइफ में, चाहे वो अपनी पर्सनल हो, कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए जितना बन पाया, जितना मैं कर सकता था उससे ज़्यादा ही करके दिया उनको। ये वाकई जो आपने जिक्र किया अपने ज़िंदगी के सफ़र के इस पहलू के बारे में, वाकई काबिले तारीफ़ है। और सबसे अहम चीज़ कि जब हम मीडिया में होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इतने बिजी होते हैं कि अपने परिवार को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, और ऐसे में एक मदर और एक फादर का रोल एक बिटिया के लिए निभाना बहुत बड़ी चीज़ है, वाकई काबिले तारीफ़ है। विनोद जी, आगे आपके सफ़र के बारे में बात करें तो अपने अपने फैमिली के बारे में बताया, फैमिली के बाद अगर हम आपकी स्कूलिंग के बारे में जानना चाहें, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, कॉलेज के बारे में? मैंने डीयू से, रामलाल आनंद कॉलेज साउथ कैंपस से मैंने ग्रेजुएशन की, बीए पास किया मैंने जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया, इंटरेस्ट था मेरा, मैंने दिल्ली पुलिस के लिए भी ट्राई किया, वो क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद मेरे को टाइपिंग में मेरे को आती थी, तो एक मंडी हाउस में एक स्टूडियो होता था, वहाँ पर मैं एज ए क्लरिकल जॉब के लिए गया, तो वहाँ पर डीडी मेट्रो का काम होता था, कैप्सूलिंग होती थी, वहाँ एडिटिंग होती थी, तो वहीं मैंने सीखा, एडिटिंग वहीं से सीखी, तो मीडिया में वहीं से मेरी शुरुआत हुई।
अच्छा, मीडिया की शुरुआत आपकी एडिटिंग से हुई। एडिटिंग की शुरुआत और अभी आप ऑनलाइन एडिटिंग करते हैं, ऑनलाइन स्विचिंग, दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। और डिफरेंस से पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार ये भी बताएं दर्शकों कि आखिर ऑनलाइन स्विचिंग क्या होती है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि एडिटिंग और स्विचिंग, यानी ऑनलाइन एडिटिंग और एडिटिंग में क्या डिफरेंस है। एडिटिंग जो आपकी एडिटिंग होती है वो सॉफ्टवेयर पे होती है, जैसे FCP आ गए, पहले लीनियर होता था, टेप पे एडिटिंग होती थी। और उसमें यह है कि पहले के इसमें आपको सब कुछ अरेंज करना पड़ता था, शॉर्ट से लेके टेपे होती थी, 20-20 टेपे होती थी, उसमें से शॉर्ट्स निकालना, उस पर एडिट करना। तो आज के इसमें देखा जाए तो बहुत इजी हो गया एडिटिंग करना, सॉफ्टवेयर इतने आ गए, टाइमलाइन पे रखिए, सब कुछ आपको टेबल पे मिलता है, उस टाइम पूरा अरेंज करके लाइब्रेरी से शॉर्ट्स वो करना, तो बहुत डिफरेंस हो गया, फास्ट हो गया आज पहले से एडिटिंग और ऑनलाइन एडिटिंग। उसमें चांस आपका है कि आप रिटेक कर सकते हैं, ऑनलाइन एडिटिंग में रिटेक नहीं है, जो फाइनल है वो PCR से ही जाना है, और उसमें आपका माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, जो गया तो भाई तीर निकल गया, बस वो वापस नहीं आ सकता, वो तीर निकल चुका है कमान से, वो वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं। और एडिटिंग में आप अपने पास होता है कि आप कुछ भी करेक्शन करना हो कर सकते हो, टाइमलाइन पे लाके कुछ भी। अच्छा, ऐसे में अगर हम देखें तो ऑनलाइन स्विचिंग आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, क्योंकि एक एक चीज पर एक एक शॉट पर नजर होती है? नहीं, चैलेंजिंग तो ऑनलाइन है, क्योंकि उसमें आपके पास चॉइस नहीं है, आप कमांड को फॉलो करोगे, जो आपके पास पैनल पे होते हैं उनको फॉलो करना है, किस टाइम हमें फुल शॉट लेना है, कब विंडो डालनी है, तो उस तरह से कौन सा लाइव वो जाना है, तो बहुत सी वो होती है। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टफ भी काम होता है, फिर आपको नज़र बहुत पैनी रखनी पड़ती है कि कोई भी गलती का मौका ही नहीं देना चाहिए, तो मौका नहीं देना है, कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी आपने अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बात की, तो हमारे पास जो कॉमेंट्स आ रहे हैं है, सभी लोग आपकी इस हौसले को सलाम कर रहे हैं। आपने जिस तरह से अभी जिक्र किया कि पत्नी के असमिक निधन के बाद आपने किस तरह से परिवार को संभाला, उसकी तारीफ बहुत सारी हो रही है और लोग बहुत आपके इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। आगे आपसे अगर हम वापस जो सवाल हैं उनका सिलसिला फिर से शुरू करें, ऑनलाइन एडिटिंग के बारे में आपने जिक्र किया, टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी आपने बताया कि हर वक्त बदल रही है, ऐसे में इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी में आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले और अब का मुकाबला अगर किया जाए तो कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस ये है कि सॉफ्टवेयर बहुत नए नए आ गए, उसके लिए हमें भी खुद को अपडेट रहना पड़ता है, कि पहले ये होता था कि आपका चलो टेप से ये कर ले, अब बहुत सॉफ्टवेयर आ गए और उसको सीखना, उसके अकॉर्डिंग पूरा फास्ट करना, कॉम्पिटिशन बहुत है इस लाइन में। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि लोगों को बेसिक की कमी है, जो बेसिक एडिटिंग की वो कमी है, और सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन का कहीं कोर्स नहीं होता है, जैसे मास्कॉम में भी देख लीजिए ऑनलाइन एडिटिंग, ये सब अपने से आपके खुद के एफर्ट्स होते हैं सीखने के लिए, कि अगर आपका इंटरेस्ट है, हमने भी ऐसी देख देख के सीखा तो आज यहाँ पहुँचे हुए। अच्छा, अपने सफ़र के बारे में कुछ बताइए, जैसे आपने ये तो बताया कि इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं उन्हें तो चाहिए कि कोई ट्रेनिंग। उनका यही है कि सबसे पहले कि आपका पहले आपका चॉइस किस में है, क्योंकि एडिटिंग अगर आप जानते हैं तो ऑनलाइन में आपको, मेरे को लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको फ्रेम की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैमरा प्लेसमेंट आना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि, और आपको कटिंग कैसी करनी है, क्योंकि हर तरह के वो होते हैं कि आपका मिड शॉट है, उसमें क्या है कि आप वैरायटी है, आप कुछ भी एडिटिंग में दे, इसमें यह है कि आपको फिक्स आपके कैमरे, कब आपको लॉन्ग शॉट लेना है, कब क्लोज लेना है, जैसे आपको कमांड मिलती है, विंडो कितनी रखनी है, चार गेस्ट है, चार विंडो, पाँच, इस तरह से अलग अलग वो देना पड़ता है, हर गेस्ट पे नजर रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभार ये होता है लाइव के दौरान आपका लाइव आता है, ब्लैक भी होता है, उसका भी ध्यान रखना है, उस पर भी पैनी नजर रखनी होती है, और ब्लैक पे हमारी नजर हट गई तो बॉस की नजर पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो नजर वो बहुत ध्यान बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। अच्छा विनोद जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जिक्र किया कि कैसे कैसे चीजें जाती हैं,
आपने कभी ट्रेनिंग दी किसी को? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि इसकी ट्रेनिंग तो कहीं नहीं होती, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन एडिटिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्विचिंग करना चाहते हैं, उनके लिए कभी आपने सोचा कि चलो ट्रेनिंग दे देते हैं, हमें भले ही नहीं मिले, लेकिन अगर ऐसा कोई है कि जो इंटरेस्ट है तो कभी मना नहीं किया है मैंने। जैसे बाकी चैनल्स में भी रहा हूँ तो कभी उनके लिए वो नहीं किया है कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम तो हाथ पकड़ के वो नहीं करेंगे, क्योंकि खुद का भी वो होता है, अगर कभी ऐसा हुआ है कोई सीखना चाहता तो कभी उनके लिए वो नहीं है। आइए, बहुत अच्छा है, मतलब यह है कि किसी को ट्रेनिंग देने गए हैं? मैं गया हूँ, तू गए? हाँ जी, 2008 में मैं कराची गया था एज ए ट्रेनर। कराची? यस। तो हम लोगों ने एक वहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वो किया 15 डेज के लिए। अच्छा। तो आज टीवी है वहाँ कराची का, तो उसके लिए गए थे। मैं PCR ट्रेनिंग और एडिटिंग के लिए गया था। और काफ़ी लोग थे, हम 5 लोगों का ग्रुप था इंडिया से, तो 15 दिन का हमने टूर किया वहाँ पर। तो 15 दिन का जो आपका तजुर्बा था, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि एक होता है कि छोटा सा सफ़र था 1-2 घंटे का, अगर कहीं कोचिंग हो तो उसका भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ 15 दिन का सिखाने का अनुभव कैसा था उसके बारे में? बहुत बहुत अच्छा रहा। एक तो लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, और सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, उनके लिए नई चीज़ थी कि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना अवेयर नहीं है वहाँ के लोग, तो हम लोगों से काफ़ी उनको सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है ना, जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पर इतना एडवांस नहीं है, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज था उनका। तो बहुत मज़ा आया, बहुत सी चीज़ें हमें भी एक्सपीरियंस हुआ, उनको भी हुआ, बहुत अच्छा रहा सफ़र हम लोगों का। चलिए विनोद जी, इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन स्विचिंग की बात करें तो उसमें आपने बताया कि कितने चैलेंजिंग होते हैं, एक एक शॉट पे आपको नजर रखनी होती है, कितना लंबा आपका सफर हो गया है मुझे मीडिया में? मीडिया में 22 से 23 साल हो गए। 22 से 23 साल जी, 23 साल। अपने मीडिया के सफर के बारे में कुछ बताइए। स्टार्ट मैंने 1999 में किया था जी न्यूज से। इससे पहले मैं 3 साल स्टूडियो में रहा हूँ, मंडी हाउस में मेरा ऑफिस होता अच्छा। था, तो वहाँ से एडिटिंग से फिर जी में एज ए एडिटर ज्वाइन किया था, वीडियो एडिटर, वहीं से एडिटर। जी अच्छा। वहाँ से मैंने अपना ऑनलाइन एडिटिंग वहीं से सीखी, वहीं से मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर ये वीडियो एडिटिंग से ऑनलाइन एडिटिंग की तरफ जो आपने स्विच किया, इसमें इंटरेस्ट कैसे जागा? ऐसे ही मैं देखता था वहाँ लाइव बुलेटिन कैसे होता है, PCR पहली बार देखा था वहाँ पर, इतना बड़ा PCR कैसे काम होता है, कैसे कमांड को फॉलो करते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। धीरे धीरे मैं भी स्विचिंग मशीन पर बैठने लग गया, अपने सीनियर से पूछता था कैसे वो होता है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनका मतलब उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ आपके सामने। तो जी के बाद फिर कहाँ गए? उसके बाद एक जन्मा TV आया था, सब TV वालों का, जो लाइव इंडिया हो गया था, वहाँ रहा मैं। उसके बाद फिर मैं एक जन संदेश TV था, प्रज्ञा चैनल में रहा, फिर आपका न्यूज़ एक्सप्रेस रहा, वहाँ ज़्यादा टाइम मेरा सफर नहीं रहा, 2-3 महीने का। उसके बाद फिर A to Z था, वो भी मतलब छोटे छोटे चैनल बंद होते गए, मैं आगे चलता रहा। फिर उसके बाद एक लास्ट मेरा जर्नी रही है कि स्पोर्ट्स चैनल था, डिजिटल पोर्टल गुड़गांव में, वहाँ मैंने 3 साल जॉब किया, फिर वहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया मैंने। अब यहाँ पर आपका 1 महीने का जो सफ़र है, ये कितना कैसा जा रहा है, कैसा लग रहा है मुझे? मतलब सबसे पहले मैं बताऊँगा, मैं अप्रिशिएट करूँगा इस संस्थान को जो मेरे को मौका दिया कैमरे पे पहली बार बोलने का। और बहुत सी चीज़ें होती है कि आज से पहले टेक्निकल को कभी इतना वो नहीं किया कि आप कैमरे के सामने बोल रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सबसे अच्छे सबसे बढ़िया है कि यहाँ का जो संस्थान में जितने लोग हैं बहुत अच्छे हैं, और कोऑपरेटिव है, और अच्छे चैनल से हैं। मुझे आशा है हम आगे अच्छा करेंगे, चैनल को बहुत ऊपर तक ले जाने की हो रहेगी, और मेरे से जितना होगा मैं अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट दूंगा। नहीं विनोद जी, इसके बारे में आपने जैसे जिक्र किया कि पहली बार ऐसा है कि आप कैमरा फेस कर रहे हैं, ये अलग ही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, उसमें उस तजुर्बे में, और अब से पहले देखिए जो कैमरे पर लोग आते हैं जी, आप उन्हें डायरेक्शन देते थे कि ये करिए, वो करिए, आगे जाइए, उधर जाइए, अभी आप कैमरा फेस कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? डायरेक्शन देना बहुत इजी है, और फेस करना उससे अलग है। समझ गए? समझ गए बिल्कुल। मुझे अब वो होता है, एहसास होता है कि जो कैमरे के सामने उनको कैसे वो हैंडल करते हैं, तो ये होता है कि चलो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत अच्छा हो रहा है मेरे को। न्यूज इंडिया के आगे के सफर के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि अब तक आपने लगभग बताया 22 से 23 साल का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है मीडिया में, अब चैनल को आगे क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई है, कैसे आगे लेके जाना है?
हम लोग सबसे बड़ी बात है टीम वर्क है, करेंगे सबसे बढ़िया जो भी, मतलब हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़े चैनल, मतलब वहाँ नहीं तो उसके आसपास तो हम रहेंगे, मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे और सबका सपोर्ट है। सबसे अच्छी बात है जितने हमारे बॉसेस हैं बहुत अच्छे सपोर्टिव है और मौका दे रहे हैं जो आपका टैलेंट है निकाल के लेंगे। यकीनन, और इसीलिए हम लोगों ने विनोद जी खास सीरीज भी जो है वो शुरू की है जिसका नाम है हम न्यूज़ इंडिया के लोग, क्योंकि ऐसा मैंने भी कभी नहीं देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पर हाँ जितना भी तजुर्बा है 8-10 साल का उसमें मैंने ये चीज़ कभी नहीं देखी, क्योंकि एंकर्स के प्रोमो बनते मैंने देखे थे, एंकर्स के इंटरव्यू लेते हुए मैंने मतलब एंकर्स इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू हम ले रहे हैं अपने ही कलीग्स का ताकि लोग उन्हें भी जाने, कैमरे के पीछे जो लोग काम करते हैं उनकी जो मेहनत है वो भी सबके सामने आ पाए, लोग उन्हें भी जाने और ये भी जानने कि हमारी टीम जो है न्यूज इंडिया की वो कितनी मजबूत है। अच्छा, ये रोल जो आप निभा रहे हैं, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के पास वापस आना चाहूंगी, तो आपने बताया कि लंबा अरसा हो गया, हालांकि मैं उन तारों को छेड़ना नहीं चाह रही थी लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि लोग जाने कि हमारी टीम मजबूत काम के साथ साथ अपने इरादों से भी है। ये रोल जो आपने एक मदर और फादर दोनों का निभाया, ये कितना लंबा रहा, कितने समय से आप इस रोल को निभा रहे हैं? मेरे को ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं उनको मतलब निभाते हुए और आगे भी निभाऊँगा जब तक मैं हूँ। उनके लिए अच्छा करना है, अच्छा पढ़ाया है और देखो अब बाकी उनकी चॉइस है आगे क्या करना चाहते, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा अपने जिम्मेवारियों से, कोशिश रहेगी बहुत अच्छा और करना है। सोचा है फैमिली के लिए? फैमिली के लिए मैंने देखो मैंने सोचा नहीं है क्योंकि मेरे जो सपने तो बहुत पहले ख़त्म हो चुके थे, मैं अब जो कर रहा हूँ उनके लिए कर रहा हूँ, जो वो करेंगे मैं उनके लिए हमेशा आगे रहूँगा जितना हो सका, मतलब बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं को उन्हीं में देख के मैं खुश होता हूँ कि वो खुश रहे बस। अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं वाइफ मेरी लव मैरिज थी मेरी और वाइफ मेरी पंजाबी थी और दिल्ली से ही थी और वो एनिमेशन ग्राफिक्स और एनिमेशन में अच्छा, वो भी मीडिया जी जी, तो उन्होंने जहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया वहीं पे मेरे को मिली थी, वहीं से हम लोगों ने मैरिज करी 97 में। यस, चलिए बहुत अच्छा लगा और सबसे अहम चीज़ है कि जिस तरह आपने अपनी जर्नी के बारे में जिक्र किया, आपकी आंखें थोड़ी नम है इसलिए मैं इस सफ़र को बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहूँगी, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका जो हौसला है वो वाकई ऐसा है कि सलाम है उस हौसले को, एक ऐसे व्यक्ति को जो एक माता और एक पिता दोनों का रोल निभा रहे हैं और उसके साथ साथ उसी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, कभी टूटे नहीं, कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, अगर मैं टूट जाता तो फिर मैं टूटता रहता, फिर मैं कर नहीं पाता कुछ। मैंने एक्सेप्ट किया सारे चैलेंजेस, कब यही था कि जो करना है मुझे ही करना है, मतलब किसी की हेल्प नहीं, खुद ही, चाहे जैसे भी हो जैसे भी हालात रहे हमने उसको वो किया है। इवन मैं अपने बच्चों को भी सलूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। वाकई एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी जो ज़िंदगी के बारे में हमने जाना उसके बाद ये चीज़ और भी ज़्यादा पक्की हो जाती है। तो ये थी हमारी खास पेशकश हम न्यूज़ इंडिया के लोग और आज हमने आपको मिलवाया विनोद मंडल जी से। इसी के साथ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और भी बहुत सारी सीरीज जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि न्यूज़ इंडिया की टीम इतनी मजबूत आखिर कैसे है। इसके साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी सजेशन देना है, कोई भी न्यूज़ आप किस तरह की देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को लेकर कोई भी सजेशन हो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsindia.tv पर। ठीक है।